एक शिकायत है, फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ चुका था, दोनों पास भी कर गए। अब सेकंड पार्ट के लिए फिर से दोनों ने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। पूरे कोचिंग क्लास के छात्रों में अंकिता और माधव को ही फर्स्ट पार्ट में सबसे कम मार्क्स मिले थे। सर दोनों को टोकते हुए कहते हैं, क्यों माधव तुमको इतने कम नंबर क्यों आए, और अंकिता तुमको भी माधव से मात्र 3 नंबर ज्यादा आए। अभी के समय में कोई 49% नंबर लाता है। खैर अब दोनों पढ़ाई पर ध्यान दो। माधव कहता है, सर नहीं पता मेरे नंबर क्यों इतने कम आए हैं, मेरी लिखावट बहुत गंदी है इसलिए शायद प्रोफेसर ठीक से पढ़ नहीं पाए होंगे, क्योंकि मैं भी कभी कभी खुद की लिखावट ठीक से पढ़ नहीं पाता। अंकिता कहती है, सर केमिस्ट्री की परीक्षा के दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए शायद पेपर ठीक नहीं गया। सर कहते हैं, सुनो मैं सब जानता हूँ और मेरे यहाँ से हजारों छात्र पास कर गए, मैं छात्रों की रग रग से वाकिफ हूँ, आगे की परीक्षा ठीक से देना और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दोनों ने सिर झुकाकर हामी भरी और फिर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। छुट्टी होने के बाद अंकिता क्लास से बहुत जल्द ही निकल जाती है। माधव उसके पीछे जाता है। जब सभी चले जाते हैं तब दोनों एक साथ रोड तक आते हैं। चलते चलते अंकिता माधव से कहती है, पहली बार मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इतने कम नंबर तो मुझे आज तक के किसी पेपर में नहीं मिले। मैट्रिक IELTS सब में फर्स्ट डिवीजन से पास किया, पर स्नातक जो कि सबसे आसान परीक्षा होती है उसी में मात्र 49% नंबर। जानते हो माधव, कल भैया ने भी मुझे डांटा। माधव अपना सिर हिलाते हुए कहता है, देखो इस बार हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जिसके कारण हमें कम नंबर मिले। सेकंड पार्ट में हम बहुत मेहनत करेंगे और ज्यादा नंबर से पास करेंगे। इस बार एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं इसलिए हमें ज्यादा फोकस एग्जाम पर देना है, पर मैं अगर तुमसे बात नहीं करूंगा तो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा। अरे बुद्धू राम, हम अब हमेशा बात नहीं करेंगे, बात करने के लिए टाइम फिक्स करेंगे, पहले जैसे हम कभी भी कॉल कर देते थे वह अब नहीं करेंगे। और हाँ सुनो, तुम एक वादा करो कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, मैं तुमको कॉल करूंगी क्योंकि तुम कभी भी कॉल कर देते हो। अंकिता, मैं अपने जज्बात नहीं रोक सकता, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमको रोज कॉल करूंगी। वैसे भैया को भी शक होना शुरू हो गया है। ओके ठीक है, तब तुम ही कॉल कर लेना, मैं इंतजार करूंगा, माधव ने नाखुश होकर कहा। माधव नाराज क्यों हो गए, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ जिससे तुम अच्छा करो। मेरा क्या है, मुझे कौन सी नौकरी चाकरी करनी है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा तो तुमको नौकरी के मौके ज्यादा मिलेंगे और हम तो मिलते रहेंगे जब भैया घर पर नहीं रहेंगे और समय पूरी तरह से हमारे पक्ष में होगा। अंकिता माधव का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसका धार्जा बधाया। दोनों अब फोन पर ही बातें करते थे। अब कोचिंग क्लास की छुट्टी होने पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते और बाई का इशारा कर सीधे अपने अपने घर की तरफ चले जाते। दिवाली का समय आ जाता है, कोचिंग क्लास 10 दिन के लिए बंद हो जाती है। दिवाली के दिन सुबह 10 बजे अंकिता माधव को कॉल करती है, हैप्पी दिवाली, क्या कर रहे हो, तुमको याद करने के सिवा और कौन सा काम है मुझे, सोच रहा हूँ कब छुट्टी खत्म होगी और कब तुमसे मिल पाऊंगा, मुझे भी महसूस हो रहा था तुम मुझे याद कर रहे थे। जानते हो जब कोई किसी को पूरे दिल से याद करता है तो वह चाहे जितना ही दूर क्यों न हो उसे भी महसूस होता है, और इसी को प्यार कहते हैं। प्यार में दूरियां हो सकती हैं पर हमारे ख्याल हमेशा दिल के नजदीक होते हैं, माधव ने शायराना अंदाज में कहा। माधव एक बात पूछूं, सच बताना, पूछो ना, मैं तुमसे सब सच ही कहता हूँ, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो, जब मैंने तुमको पहली बार देखा तुम पीले रंग की सलवार पहने हुए थी, तुम्हारी मुस्कान देखकर ही प्यार हो गया। मैं अब फोन रखती हूँ, भैया आ गए हैं, कल बात करती हूँ, बाय, टेक केयर, आई लव यू। माधव भी आई लव यू टू कहता है, फिर एक चुंबन कर फोन काट देता है। दोनों दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं। शाम को अंकिता माधव को याद करते हुए पहला दिया जलाती है। उसी समय माधव अंकिता को मिस्ड कॉल करता है। चूंकि दीपक पटाखे फोड़ने में व्यस्त था इसलिए अंकिता ने भी कॉल बैक कर दी। माधव क्या कर रहे हो,
मैंने तुम्हारे नाम का पहला दिया जलाया। मैं तुमको याद कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि काश तुम्हारा घर मेरे घर के सामने होता तो छत पर दोनों एक दूसरे को देखते हुए दिया जलाते। काश मैं पंछी होती और उड़कर तुम्हारे पास आ जाती। जब जब मन करता तुमको देखती, बातें करती, फिर तुमको प्यार करती। तुम पंछी बनने को सोचती हो और मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई मंत्र होता जिसका उच्चारण करने मात्र से कोई कभी भी कहीं आ जा सकता, तो मैं रोज तुम्हारे पास चला जाता। न कोई मुझे देख पाता और न ही किसी को शक होता। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, फिर दीपक अंकिता को बुलाता है। दोनों एक दूसरे को बाय कहकर फोन काट देते हैं। अगले दिन दीपक के ऑफिस जाने के बाद अंकिता की तबीयत बिगड़ गई तो उसने माधव को कॉल किया। माधव, आई लव यू माई सोना, बेबी आई लव यू टू। क्या हुआ आज सुबह सुबह ही इतना प्यार, कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या? जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, बाय, अंकिता रूठती हुई कहती है। अरे फोन मत काटना, मैं मजाक कर रहा था, माधव ने हंसते हुए कहा। मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ, अब मुझको मनाओ। मेरी हर खता पर नाराज न होना, तुम अपनी प्यारी सी मुस्कान को कभी न खोना। सुकून मिलता है तुम्हारी मुस्कान को देखकर, मुझे गर मौत भी आ जाए तो मत रोना। हाय रब्बा, ऐसी बात न करो माधव, मरे तुम्हारे दुश्मन। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, फिर अंकिता मन को भारी कर कहती है, एक बात पूछूं, सच बताना, मैं एक बात को सोचकर नाराज हूँ। अभी तो हम अच्छी खासी बात कर रहे थे, तुम कब नाराज हो जाती हो, कब ठीक रहती हो, मैं कुछ समझ ही नहीं पाता। तुम आजकल काजल से बहुत बातें करने लग गए हो और वह भी तुमको घूर घूर कर देखती है। माधव शरारत करने के इरादे से कहता है, हाँ देखता हूँ, वह मेरे मोहल्ले की लड़की है और हम साथ साथ पढ़े हैं। काजल एक होनहार लड़की है, अंकिता चिढ़ते हुए कहती है। तो ठीक है, तुम काजल से ही बातें करो, उसी को ही प्यार करो, मैं आज के बाद कभी भी तुमको कॉल नहीं करूंगी। इतना कहते हुए वह कॉल काट देती है और बेड पर लेट जाती है, फिर रोने लगती है। रोते रोते अंकिता अपनी और माधव की एक फोटो जो दोनों ने पार्क में खींची थी उसे देखती है। इसी बीच माधव ने बहुत बार कॉल भी किया पर अंकिता ने कॉल रिसीव नहीं की। अंकिता रोने धोने के दो घंटे बाद माधव को कॉल करती है और सिसकियां लेते हुए कहती है, माधव मुझे माफ कर दो, मैं तुमको बहुत लाइक करती हूँ और हद से ज्यादा प्यार, मैं किसी और लड़की के साथ तुमको बात करते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकती, पर अगर तुमको कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। माधव सुनने के बाद फोन काट देता है और पढ़ने की मेज पर बैठकर पढ़ने की कोशिश करता है। तुरंत एक मैसेज आता है, माधव मुझे माफ कर दो प्लीज, एक बार मेरे मैसेज का रिप्लाई दो, मैं रो रही हूँ। मैसेज करने के तुरंत बाद अंकिता फिर कॉल कर देती है पर फिर माधव कॉल काट देता है। अंकिता फिर मैसेज करती है, अभी अगर तुमने मेरे मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं चाकू से अपनी कलाइयों की नसें काट लूंगी। मैसेज पढ़ते ही माधव तुरंत अंकिता को कॉल कर देता है, अंकिता ऐसी भूल मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई लव यू अंकिता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, अंकिता रोती हुई कहती है। तुमको एक वादा करना होगा और वादा होगा कि तुम मेरे सिवा किसी दूसरी लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं और न ही प्यार करोगे। मैं वादा करता हूँ तुमको छोड़ किसी दूसरी लड़की तो दूर किसी लड़के की तरफ भी नहीं देखूंगा। जब इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है मेरे पास तो फिर किसी की तरफ देखकर मुझे क्या फायदा, पर मुझे लगता है प्यार से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे पर भरोसा होना। अगर भरोसा नहीं होगा तो हजारों वादे कर ले, कस्में खा ले, प्यार मुकम्मल होगा ही नहीं, माधव ने अंकिता को समझाते हुए कहा। मैं ये सब नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं पजेसिव हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ बात करते हुए भी देखती हूँ तो खुद को रोक नहीं पाती, जी करता है उसको। क्या तुम एक वादा कर सकती हो कि तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं होगी? हाँ मैं तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी रूह अब तुम्हारी है, यहाँ तक कि मेरा जिस्म भी। आई लव यू, तुम अगर पास होती तो कसकर गले लगा लेता और बहुत प्यार करता, मैं भी तुमसे मिलने के लिए पागल हुई जा रही हूँ, पर वो समय आएगा कब,
तुम्हारे भैया कहीं जाते क्यों नहीं और तुम मुझे बुलाती क्यों नहीं? अपने भैया को भेजो कहीं, भैया को बाहर काम होगा तब तो जाएंगे। और हाँ, मैं तुमको घर पर नहीं बुलाऊंगी। चलो मैं आ भी रखती हूँ, भैया आ गए शायद। इतना कहकर अंकिता कॉल काट देती है। दीपक दरवाजे की कॉलिंग बेल बजाता है। अंकिता दौड़कर जाती है और दरवाजा खोलती है। जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, आज खाना नसीब नहीं हुआ, किसी जरूरी काम से मुझे एक गांव में जाना पड़ा था, दीपक घर में घुसते हुए बोला। ये सुनकर अंकिता दौड़कर किचन में जाती है और बिस्किट व चना चूर लेकर आती है और दीपक के सामने रखती हुई कहती है, भैया आप अभी इसे खा लो और नहा लो, मैं अभी खाना टेबल पर लगाती हूँ। दीपक अंकिता की बात सुनने के बाद सीधा किचन में जाता है। वहाँ देखता है खाने में अभी आज कुछ नहीं बनाई है। अंकु, तुमने तो आज खाना ही नहीं बनाया है, तुमने कुछ खाया कि नहीं अंकिता, और सारा दिन क्या किया? अंकिता कुछ सोचते हुए कहती है, भैया मैं पढ़ रही थी, फिर तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या पढ़ रही हो? वह तो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट देखकर मुझे पता चल ही गया है। खैर अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो ठीक है। अंकिता किचन की तरफ जाती है और मन ही मन मुस्कुराती है। अब उसे किसी की डांट भी अच्छी लगने लगी। वह जब रोटियां बेलती है तो उसे माधव की याद आती है और सोचती है कि माधव पीछे से आए और उसे पकड़ ले। पकड़ा पकड़ी में कुछ आटा अंकिता के गालों पर और कुछ माधव के गालों पर लग जाए।